मैं उस परम पिता परमात्मा सावन कृपाल के चरणों में नमस्कार करता हाँ। सच्ची नमस्कार उही प्रवान हुंदी है जब असी नौ द्वारे खाली करके सूर्य चंद्रमा सितारे नंग के गुरु स्वरूप में प्रगट कर लेने हैं। सच्चे शिष्य उस वक्त बनते हैं और सच्ची नम्रता भी उस वक्त ही साढ़े अंदर आती है। असली नमस्कार वही प्रवान है। वैसे जो कुछ भी असी बाहर मुखी अगर धन्यवाद कहने हैं उसनों भी वह सुनता है क्योंकि राम चरोखे बैठ के सबका चारा ले जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। वो अंदर बैठा है वो बड़ी अपुल ताकत है। जो कुछ असी मिंट सकेंट वो याद विच बैठते हैं वो सब लेखा जोखा उसके हाथ विच है। गुरमेल ने शब्द बोलिया सी कि खैर नाम दी पाओ कृपाल जी। स्वामी जी महाराज ने भिखारी की मिसाल दिती है कि भिखारी किन्ने अनुशासन दे विच हुंदा है किन्ने विश्वास विच हुंदा है किन्ना उहदा दिल जिहड़ा हुंदा है वह मजबूत हुंदा है। जब वो किसी के घर मंगन वास्ते जाता है वो इस तरह नहीं जाता कि पता नहीं खैर पाएगा या नहीं पाएगा। उस बड़ा विश्वास हुंदा है बड़े अनुशासन दे विच हुंदा है वो जाके खैर जगाउंदा है अपनी अलख जगाउंदा है। हुण खैर पाउण वाले दी मौज है कि उन्होंने कद खैर पाँदा है। जनानियां कई दफा बड़े ताने मिने दिंदियां हन कि हटा कटा फिरदा है ते तो कमा के नहीं खाईदा। फिर भी वो भिखारी जिहड़ा है वो दर तो दूर नहीं जांदा गा। उसे दर ते खड़ा रहिंदा है। ये मिसाल सब संतां ने दिती है भिखारी दी जो स्वामी जी ने दिती है। जब घर वाले उसका विश्वास देखते हैं सब कुछ उसनों कह लेंदे हैं फिर वो कहते अच्छा भाई इनू पाओ कुछ। वो मालिक दे नाल झगड़ता नहीं भी तू क्यों खैर नहीं पाँदा या जल्दी पा मैं छेती जाना है। किस तरह विश्वास ना उस बूहे ते खड़ा रहिंदा है। शुरू शुरू दे विच जब पछम दे प्रेमी मेरे पास आए मैं सब तो जबरदस्त यही उन्हां कोले मिसाल पेश कीती कि मैं अपने गुरु दे पास सदा भिखारी बन के रहा कि खैर वो पाए। बड़े विश्वास नाल श्रद्धा नाल लेकिन उसने खैर पाई। तो एक प्रेमी ने जो मेरी बात सुन रहा सीगा उन्हें आपदे अंदर ही वो चित्रकारी कर ली। अनेक ही पिक्चर उसने बना दित्तियां कि किस तरह परमात्मा कृपाल सचखंड दे विचों कोई वस्तु लियाया है वो आपदे भिखारी नूं आपदे शिष्य नूं दे रहा है। सो इस वास्ते संतां दे जो भजन हुंदे है चाहे किसी भी महात्मा ने आके लिखे है मैं दसदा हुंदा कि पवित्र हिरदयां दे विचों आए हुंदे है जिथे कि शब्द की तार चालू हुंदी है। एक खुश्क हिरदयां दे विचों लफ्ज नहीं आउंदे गे या जिथे कि काम क्रोध दियां लहरां उठदियां उन्हां विचों नहीं आउंदे गे। इसे वास्ते साडे हिरदयां दे उत्ते जड़े पूरे महात्मा दे भजन है वो मार कर जाते हैं।
ਭਾਵੇਂ ਉਹ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਹੀ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਾਤਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਜਿਨ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪਿਆ ਸੀਸ, ਪਿੱਛੋ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਪਏ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਕੀਆ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨ ਵੀ ਵਾਰਿਆ, ਮਨ ਵੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਧਨ ਵੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾ ਸੇਵਕ ਦੇ ਤਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਧਨ ਦਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨ ਕਾਹਦੇ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਵੇ, ਕਾਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਕੋਈ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਨ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਵੇੜਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਤੱਕਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤਾਂ ਮਨ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਏਗਾ ਬਈ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਮ ਆਈ 77 ਆਰਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਮਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਬੇਟੀ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਨ ਤਾਂ ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਘਾਲਣਾ ਕਰ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਖੈਰ ਉਹ ਆਦੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਟੂਰ 'ਤੇ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੈਂ ਕਿ ਮਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਅਭਿਆਸ ਬੈਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਲੋਕ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਸਹੁਰਿਆਂ ਘਰ ਜਵਾਈ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੋਵੇ
ਤੱਪੜ ਝਾੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਨਾ ਮਿਹਣਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਹੀ ਘਾਟ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਘਰੇ ਰਾਮਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਗੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਔਰ ਟੋਕਰੀ ਫੜੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਰੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਖੜੇ ਹੀ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦੇਣ, ਬਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੱਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਗੋਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਸੈਂਸਦਾਨ ਬਣਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਰਾਜਿਆਂ ਰਾਜਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੀਆਂ, ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੌਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਦਰਦ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਈ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀਏ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤੀ ਨਾਮ ਚੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਬਈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਹਰ ਸਮਾਜ ਇਤਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪੋਥੀ, ਹਰ ਗ੍ਰੰਥ, ਹਰ ਪੁਰਾਣ ਇਤਨੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਨਾਮ ਲਫਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਫਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਿਉਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਉਹ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਪਤ ਨਾਮ ਵਰਤੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਘੱਟ ਘੱਟ ਹਰ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੁਪਤ ਨਾਮ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਡੋਰੀ ਲਮਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਉੱਥੋਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਠੱਗਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ,
ਉਹ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੱਬਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਸਦੇ ਧਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਹਿ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਧਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਇਤਨਾ ਧਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਇਤਨਾ ਟੋਆ ਇਤਨਾ ਖੱਡਾ ਖੋਦ, ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖੋਦਦਾ ਹੈ ਧਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇ, ਵੀ ਧਨ ਦਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਧਨ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ? ਧਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਗਧੇ ਬਣੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਘੋੜੇ ਬਣੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਨੀਂਦ ਕਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈ ਬਿਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਵਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਦੇਹ ਸਜਰੀਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਾਮਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਬੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਪ ਨਾ ਤਪ ਨਾ ਪੂਜਾ ਨਾ ਪਾਠ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੀਗਾ। ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੱਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਕੀ ਕਰ ਕਿਸੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲੇ ਜਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰਾ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਾਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ, ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਆਪ ਫਿਰਦਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜ ਰਿਹਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੀ? ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਵਰਾ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੁਖਵੇਂ ਪੜ ਹੈ ਰੇਤ, ਰਾਸ ਪਰਾਨੀ ਗਰਾਖ ਤੇ ਖਾਇਆ ਘਰ ਕਾ ਖੇਤ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਲਵਾੜ ਦੀ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦਾ ਖਲਵਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਜੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੇਚੈਨ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈਨ ਹੈ ਨਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਹੈ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੇ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਰਝਾਵਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਤੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਹਾ ਚਾ ਬਈ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਤਿਰਗੇ ਜੀ ਵਾਸ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਸ ਗਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਸੰਤੋਂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਪੰਨਾ 198। ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀਏ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮਨ
त्रिपतिये बिन ना मैं त्रिग जीवास, कोई गुर मुख सजन जे मिले मैं दसे प्रभ गुण तास। हुण गुरु रामदास जी महाराज बड़े प्यार ना कहिंदे है कि अगर कोई गुरमुख सज्जन जिसने जिंदगी दे विच मसला हल कीता है वो मिल जावे, वो मैनू नाम दे फायदे दसेगा, नाम जपन दा साधन और तरीका दसेगा, कि उस नाम नू जेड़ा गुप्त है उनू किवें प्रगट करना है, किवें उसका प्रकाश करना अंदर। ऐसा महात्मा जेड़ा है कोई मिल जावे वो ये नहीं कहता कि मैनू तुसी गुरु कहो। किसी भी संत ने कदे भी नहीं आपके सेवकों नू इतनी इजाजत दिती कि मैनू गुरु जी कहो। वो कहते हैं बेशक सानू तुसी बाबा कह लो, जो माता पिता ने नाम रखे है वो उचार लो, बुजुर्ग कह लो, किसे नाम ना पकार लो, उसे ते खुश है, नाम ना कोई फर्क नहीं पैंदा गा। मैं अपनी जिंदगी का वाक्य दसदा हुंदा महाराज कृपाल बारे। मैं एक बारी उन्हां नू सच्चे पातशाह कहा सीगा, मैं उन्हां दे पास ही कुर्सी ते बैठा सीगा, वो अपने बैड ते बैठे सीगे, तो उन्होंने गाहां होके मेरे कान नू वटा दिता। बोले तो कुछ नहीं पर समझा दिता वटा दे के। वो कहिंदे अंदर जाओ फिर देखो, फिर जो मर्जी रब कह लो रहीम कह लो अंदर शक नहीं रहिंदा गा। हां भाई, कोई गुरमुख सजन जे मिले मैं दसे प्रभ गुण तास, हो तिस विटों चौखनिए मैं नाम करे परगास। हुण कौन कुर्बान जांदा है जिसने नौ द्वारे खाली करके अंदर सतगुरु नू प्रगट कर लिया, क्योंकि स्थूल शरीर च असी बैठे हैं, सतगुरु भी बरूपियां दी तरह स्थूल जामा धारण करके आया है। जब असी सिमरन दे जिरगे अखां पिछे जाने हैं, तुरिया पद विच जाने हैं, सूक्ष्म देश दे विच जाने हैं, वो सूक्ष्म शरीर धारण कर लैंदा है। ब्रह्म दे विच जाने हैं तो ब्रह्म है, बार ब्रह्म दे विच जाने हैं तो सार शब्द है। जिवें जिवें सेवक अंदर तरक्की करता जाता है उवें उवें वो गुरु दे स्वरूप नूं ज्यादा नेड़े होके देखता जाता है। जब सचखंड पहुँचता है फिर वो मालक दे विच और गुरु दे विच पिन भेद नहीं समझदा गा, ना कोई हुंदा ही है। जदों इंद्रमती राणी जो कबीर साहब की सेवका सी भजन करके अंदर सचखंड पहुंची, तुसी अनुराग सागर नूं पढ़ के तसल्ली कर लो, अगे जब तखत दे उत्ते उसे कबीर साहब नूं देखिया तो बाग बाग होके पैरां ते लिपट गई, कहण लगी तुसी मैनूं जी उत्थे दस दे कि मैं ही सतपुरश हैं, मैं खबरां तुहाडी की सेवा कर दी। वो कहण लगे कि बेटी तू हुण जो सेवा करनी कर ला है, अगर मैं तेनू ये कहिंदा कि मैं सतपुरश हैं तो तेनू यकीन ही नहीं आना सीगा। ये बड़ा गुप्त राज है, ये बड़ी समझण वाली गल है। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहिंदे है
कौन उन्हां तों कुरबान जाएगा भाई, कौन बलिहार जाएगा जिहड़ा अंदर जांदा है। तो गुरु रामदास जी कुल मालक होके सचखंड पहुंच के परम संत परम गति नूं प्राप्त होके कहिंदे है, मैं तिस विटों चौखनी है, मैं अपने गुरु अमरदेव दे उत्तों चार टुकड़े शरीर दे करके वारन वास्ते जाना तैयार हैं, क्योंकि उन्हें मेरे अंदर नाम दा प्रकाश नाम दा दीवा जगा दिता है जी। ओम तिस विटों चौखनी मैं नाम करे परदास मेरे प्रीत मां हो जीवा नाम ते आए। हुण आप प्यार ना कहंदे है साड़ी की हालत है, असी कहने जी मन नहीं लगदा, साड़ा जी शरीर दुखदा है जी, बैठिया नहीं जाता, किनिया शिकायतें भाई। तो जेड़े अंदर जाते हैं वो की कहते हैं, मेरे प्रीतमा हो जीवा नाम ते आए, उन्हां दी हालत अमलियां जैसी हुंदी है। गुरु नानक ने बड़ी एक अमली दी मिसाल दे के समझाए है, अमली जीए अमल खाए त्यों हर जन जीवे नाम ते आए। तो मैं दसदा हुंना कि दरिया के किनारे के उत्ते दो अमली बैठे सीगे अपने नशे के अंदर बड़े खुश हो गए। तो एक अमली जो नशे की लोर आई तो दरिया के विच गिर गया, दूजा कहन लग्या वी रुड़ चलिया फड़, ओहदा कोई रुड़ का कोई फिक्र नहीं गा, तार ना टुटे। तो इस वास्ते जिन्ना एक दुनियावी नशे वास्ते भी तार ना टुटे रुड़े दा कोई गल नहीं, हुण सोच के देख लो। तो जिन्हां नूं नाम दा नशा चढ़ गया कि उन्हां दा शरीर नहीं टुटेगा, मैं जज सेवा सिंह दा अखीं देखिया अपने वाकया दसदा हुंदा है, फिरोजपुर असी उन्हां नूं मिलन वास्ते गए मेरे साथ महाराज सावन सिंह दा खास सेवक धर्मचंद हुंदा सी, तो उन्हां दा अच्छा वाकफ सीगा। सुबह असी दरिया दी तरफ परे चले गए, जब सैर करके थोड़ा जा वापस आए उन्हूं बड़ी उत्थे बरेती अच्छी लगी, वो कहण लग्या मैनूं नशा करन दी थोड़ी जी आदत है, तुसीं इस पासे बैठो। तो मैं दिल दे विच बड़ा ख्याल करां भी अच्छी पोस्ट दा बालक है, ये भी नशा खांदा है, तो शरीर तो नशे वाला है नहीं गा। खैर हुण धर्मचंद उहदे वाला नशा खुद करदा सी, उत्थे उन्हां दा ज्यों दिल लग्या। तो जिहड़ा कदे अभ्यास ना कीता होवे उहनूं बड़ी नवीं जी चीज़ लगदी है भी ये की हो गया। तो साड़ी माता जी कहानियां सुनाउंदी हुंदी सी, एक के जोगी दी 12 साल ताड़ी लगी रही, भजन विच जुड़ना आम ताड़ी लगी कहंदे सी, असी कहते हैं सुरत लगी है। तो मैं कहा भी आ वो जोगी दी तरह इसकी ताड़ी लग गई है। जद उठे बहुत चिर पिछों तो समझ आई भाई ये तो कोई अभ्यास करते हैं। तो प्यारे ऐसे प्रेमी हुंदे है जिन्हां दी यह हालत हो जाती है, मेरे प्रीतमा हो जीवा नाम ते आए। तो ऐसे प्रेमी जिहड़े है जिन्हां च कलंदर दर्शन ना कर लैण उतना चिर प्यारे हो वो खाना नहीं खांदे गे। महाराज जी मिसाल दिंदे हुंदे सीगे, बाबा जैम सिंह दे दो सेवक सन मच्छर और राम दत्ता, वो उन्हां दी खेती की सेवा करते होंगे सन। एक दिन तड़के सुबह जिहड़ा मच्छर है और राम दत्ते नूं पुछदा है कि अंदर बाबा जी के दर्शन होए
वो कहिंदा नहीं अगे तैनू होया जे अगे नहीं फिर के मक्की सुकू ते गुरु दी सुकू गए आपां पहला दर्शन कर लिए उन्होंने खूह नहीं जोड़िया क्योंकि कदे कदे प्रेमी सिखां दा गुरु भी ध्यान ले लैंदा है तो घंटा अभ्यास से बैठे दर्शन हो तो फिर जाके उन्होंने खूह जोड़िया मक्की नूं पानी दिता। इस वास्ते आप कहन लगे ऐसे जिहड़े प्रेमी है वह साह नाल भी सिमरन करते हैं जो दम गाफिल सो दम काफिर जी मेरे प्रीत मां हो जीवा नाम ते आए बिन नावे जीवन ना थिए मेरे सत गुर नाम दरड़ाए। थोड़ा प्यार ना कहंदे है वो नाम जेड़ा है ओदी जूती किने जपना है किने ओदे नाल जुड़ना है ये सारी सतगुरु दी महिमा है उन्होंने यह सानू मौका दिता समझाया है जी। बिन नावे जीवन ना थिए मेरे सत गुर नाम दरड़ाए नाम अमोलक रतन है पूरे सत गुर पास। आप प्यार ना कहंदे है कि नाम अमोलक रतन है ये मुल नू नहीं मिलता गा अगर मुल नू मिलता तो प्यारे शाहूकार इस नू खरीद लेंदे राजे महाराजे खरीद लेंदे कोई उन्हां कोल धन की कमी नहीं। अगर जोर नाल ये खोया जाता हुंदा तो जेड़े बहादुर आदमी है योधे है वो खो लेंदे कहण लगे नहीं ये बड़ा अमोलक है ये बड़ा अमोलक हीरा है हीरे का फिर भी मिठी मिट्टी है लेकिन यह अमोलक है जिदा कोई मुल नहीं को पूरे सतगुरु के पास उसनु भंडारी बना के भेजा है। सतगुरु सेवा लग्या कड़ रतन देवे प्रकाश वो सतगुरु 25 साल महाराज कृपाल ने कहा भी देने वाले का की कसूर है मसला तो लैन वाले का है। 45 साल महाराज सावन सिंह ने कहा भाई लैन वाला चाहिए है वस्तु सांभण वाला वस्तु चाहिए है मैं सारे संसार के अंदर अपने गुरु की दया का होका दिता कि जैसा जैसा भाई किसी का बर्तन सी जैसा जैसा किसी ने भांडा बनाया वैसी वैसी वो वस्तु पा गया है। जिन सतगुर से चित लाया सो खाली कोई ना है जेड़ा वो जिन्ना कि चित लाउंदा है जिन्ना को दिल का राह बनाउंदा है उन्ना को जरूर दिता उन्हें हुण भी दे रहा है। नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुर पास सतगुर सेवे लगया कड रतन देवे आके गुरु साहब प्यार ना कहंदे आ इत्थे कोई फैमिली दा सवाल नहीं कोई रिश्तेदार दा सवाल नहीं। गुरु नानक कहंदे आ पुत भाई भतीजा सेवक कोई भी सतगुरु दी आग्या दा पालन करे उहदे कहे मुताबक अपने जीवन नूं ढाले उही ये रतन नूं प्राप्त कर सकदा है। सानू पता ही है
गुरु नानक का इतिहास पढ़ते हैं, उन्होंने ये रतन बच्चों अगे नहीं रखिया, सेवक नूं दिता। क्यों भाई? बच्चे उन्होंने दोस्त सन। जिहड़ा उन्हों का बच्चा सी श्री चंद, जिस तो उदासी मत चली है, क्योंकि मैनू पहला दो शब्द का भेद उस मत चो मिलिया सी। तो बाबा अमोलकदास जिहड़ा सीगा उह श्री चंद दा ही चेला सीगा, बड़ी लंबी उम्र उन्होंने भोगी सीगी। तो बाबा अमोलकदास नूं मैं खुद देखिया है, तो बाबा बिशन दास अमोलकदास दा ही चेला सीगा। तो उन्होंने गुरु नानक तो नाम नहीं लिया सीगा, उन्होंने अविनाशी मुनि नूं जाके गुरु धारण किया सीगा। तो उदासी लोग उन्होंने शंकर का अवतार मनते हैं। इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं कि उन्होंने भाई लहणे नूं सेवादार नूं दिता। इस तरह गुरु अंगद ने बुढ़े बारे 12 साल 72 साल की आज तो 84 साल तक बड़ी कठिन घालना गुरु अमरदेव ने घाली, तो सेवक नूं पदार्थ ही मिलिया। महाराज सावन सिंह तो इत्थों तक कहिंदे हुंदे सी, वैद वकील संत सरदारे, पिंड विच मान ना पाउंदे चारे, नानक दादक ते घरवाली, इह वी रहण साह तो खाली। कोई भी सेवा करे, बच्चा करे, बुढ़ा करे, औरत करे, मर्द करे, इत्थे किसी जाति का सवाल नहीं प्यारियो। सतगुरु सेवा लग्या कड रतन देवे प्रकाश। हाँ भाई, सत गुर सेवे लग्या कड रतन देवे परगास, तन वड पागी वड पागिया जो आए मिले गुर पास। कौन वड्डे भागा वाले हैं भाई? जेडे इंसान का जामा पा के पूरे महात्मा के चरणों के विच बैठ जाते आके, उन्होंने उच्चे भाग है जी। तन वड पागी वड पागिया जो आए मिले गुर पास, जिन्ना सत गुरु पुरख ना पेटियो से पागहीन वस काल। उस परमात्मा का भी विधान बनाया है कि अगर इंसान का जिहड़ा जामा है, ये परमात्मा ने एक तोहफा बख्शिया है हर एक नूं मुफ्त दे अंदर ही, एक मौका दिता है 184 जिया जीवन भुगतन तो बाद। और अगर इस दे विच कोई पूरा गुरु मिल जाता है तो बेड़ा पार हो जाता है। अगर असी इहदे विच लापरवाही करते हैं तो असी फिर 84 दे विच चले जाने हैं। इंसान का जामा सीढ़ी का आखिरी स्टेप है। अगर कोशिश करते हैं कोठे की छत ते कि सचखंड जिथों आत्मा आई है पहुँच जाते हैं, पैर फिसल जाता है तो नीचे 84 जा वड़ते हैं। तो भागहीन वस काल, वो बेचारे कि भाग लियाउण? गुरु नानक कहिंदे सतगुरु नूं सब को लोचदे, वो सारे ही लोचदे हुंदे है, लेकिन बिन भागा दर्शन ना होए, भाग तो बगैर जीव कि भाग लियाए। हाँ भाई, जिन सतगुरु पुरख ना पेटियो से पागहीन वस काल, ओए फिर जोन पवाईए विच विष्टा कर विकराल। की सजा भोगदे है, एक मौत छुटकारा नहीं होया हुंदा,
दूसरी फेर अखां अगे खड़ी हुंदी है, उस तो अजे छुट्टे नहीं हुंदे, कलबूत जाण तो पहला ही घड़िया पिया हुंदा है, उहदे च वड़े नहीं हुंदे, फिर अगे मौत अखां अगे आ जांदी है। असीं देखते हैं कि किस तरह कोई छोटी उम्र दे विच पैदा हुंदा ही संसार नूं छड़ जांदा है, नरक चो आया नरक जी चलिया गया। बच्चा पैदा हुंदा है, सब नूं पता है बेचारे की हालत हुंदी है भाई, किन्नी तंग जगह दे विच असीं किड्डे किड्डे महल बनाउने हैं, वह भी भीड़े लगते हैं, तो मां दे पेट विच किन्नी की जगह है। मैं अपनी जिंदगी का वाकया दसदा हुंदा है कि मैं लाहौर छोटी उम्र दे विच ही अजायब घर देखने वास्ते चलिया गया। उहदे अंदर बहुत सारिया पुरातन वस्तां होर तां जो देखिया सो देखिया, तो जब किसी बुत घाड़े ने इस किस्म की जगह दिखाई कि बच्चा मां के पेट विच दिखाया, कि किन्नी तंग जगह, किस तरह बच्चा पुठा सिर थले नू है, लत्तां उपर नू है। तो संत उस वक्त नू याद कराउंदे है कि कहिंदे गुरु नानक, मुख तलै पैर उपरै वसंदड़ा कहतड़े थाए, नानक धनी सिओ को वसारिया उधरै जिसदा नाए। उसनू किवें भुल गया? तो गुरु साहिब कहिंदे फिर जोन पवाईऐ विच विष्टा कर बकराल, वह फिर जूनिया जाता है, इतों तक विष्टा के कीड़िया तक उत्थे जाके गंदे थां जन्म लेना पैंदा है जी। ओए फिर जोन पवाईए विच विष्टा कर विकराल, उन पास दुवास ना पीटिए जिन अंतर क्रोध चंडाल। थोड़ा आप प्यार दे नाल कहंदे है जिन्हां दे अंदर पक्षपात है, जो निंदक हन, जो गुरु दी वडियाई देख नहीं सकदे, गे कहण लगे कि उहनां दे पास जाना चाहीदा है, कहंदे नहीं। गुरु नानक कहंदे है कि जो ऐसे कोड़ियां दे अंदर जिहड़े परमात्मा दा नाम दा जिन्हां नूं कोड़ लग्या है, उन्हां पास जाओगे तो थानू भी वह कोड़ होने का डर है। गुरु नानक कहंदे जे कोई उहदा संगी होवे ते नाले लवै सजावा, उहदी संगत करन वाले नूं भी उही फल मिल जांदा है। इस वास्ते आप प्यार नाल कहंदे है ऐसे लोगों तो जो प्रभ कीए भगत ते वाहज, कबीर साहब कहते तिन ते सदा डराने रहीए, जेडे प्रभु की भगती नहीं करते, एवें कदे किसी की निंदा की, कदे किसी की निंदा की, सारा जीवन जेड़ा सीगा वो गंदा कर लिया। क्योंकि सानू पता है साडे सतगुरु महाराज कहिंदे हुंदे सीगे कि हर व्यक्ति खुद वो जिम्मेवार है जेड़ा वो कर्म करता है, चंगा करता तां भी उहदा फल उहने भोगना, माड़ा करता तां भी उहने भोगना है, सानू उहदा की फिक्र है भाई। अगर वह चंगा करता है तां भी फल उहनु उसका मिलना है, अगर माड़ा करता तो उसे नू मिलेगा। लेकिन असी की करते हैं, उहदे माड़े कर्म दे विचो हिस्सा बनाउने हैं। महाराज कृपाल कहिंदे सी अगर जे तुसीं कंकर जिहड़ा है वो कीचड़ दे अंदर फेंकोगे तो छिट्टे भाई तुहाडे ते भी पैणगे। महाराज सावन सिंह ने बड़े प्यार नाल कहा कि भाई जिसकी तुसी निंदा करोगे उहदे जिन्ने भी शुभ गुण, जिन्ने भी उहदे पाप तुहाडे खाते विच जमा हो जाणगे, तुहाडे जिन्ने शुभ गुण है वह उहदे खाते विच जाणगे। यही गुरु साहिब बड़े प्यार नाल हदायत करते हैं, तिस पास दुआस ना पिटिए, ना भाई उन्हां तो दूर रहो जी। उन्हां पास दुआस ना पिटिए जिन अंतर क्रोध चंडाल, सा
सात गुरु पुरख अमृत सर वड पागी नावे आए उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दृढ़ाए। सतगुरु जड़ा है वो अमृत का सरोवर है, वो वड्डे भागां वाले ही चुंदे है जिस जेडे उस अमृत के सरोवर दे विच आके इशनान करते हैं। गुरु की करता है उन्हां नूं पार ब्रह्म दे विच लै जांदा है, जिहड़ा पापां दी मैल नूं दूर करता है वह अमृतसर साडी कायां दे अंदर है। ये बाहरले अमृतसर दा तो नामो निशान नहीं सीगा, जद दी बाणी गुरु अमरदेव ने लिखी हुई है उहदे शब्द विच आउंदा सच्चा अमृतसर काया माहे मन पीवा पाए सो पाए हे। इस दी न्यो जिहड़ा बाहर अमृतसर है इस दी नीम गुरु रामदास ने रखी और मुकम्मल इस नूं गुरु अर्जन देव ने किया। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहिंदे है कि गुरु कित्थे लै जाएगा भाई, वो पार ब्रह्म दे विच जिहड़े जन्मां जन्मां दे मैल है वो उतर जाती है। बड़े भागी नावे आए, वो बड़े बड़े भागां वाले है उसे दे विच ही तकीद कीती है। गुर सतगुर का जो सिख उखाए सो भलके उठ हर नाम ते आवै, उद्दम करे भलके प्रपाती इशनान करे अमृतसर नावै। कौन सिख है भाई, की सिख नूं हदायत है गुरु दी? वो कहिंदा भी हर एक उद्दम करे सुबह 3 बजे उठे अपनी आत्मा तो सारे पड़दे ला के उस अमृतसर दे विच पहुंचे। हुण जे बाहरले अमृतसर तो जे उन्हां दी मुराद हुंदी ते जेड़े सिख वो शहर तो दूर है, कोई बॉम्बे रहिंदा है, कोई कलकत्ते रहिंदा, कोई दिल्ली रहिंदा है, कोई अमरीका च रहिंदा है, कोई कनेडा च रहिंदा है, किसी होर मुल्क दे विच रहिंदे है, वह तो बेचारे अमृतसर च ना ही नौंदे। नहीं, गुरु साहिब की बाणी जिहड़ी है तुक तुक अंदर जाण वास्ते सानू इशारा करती है। वो बड़े बड़े भागां वाले सिख है, उन्हां सिखां दा आपसरी में बड़ा प्यार हुंदा है जी। उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दृढ़ाए जन नानक उत्तम पद पाया सत गुर की लिवलाए। ऐसे शिष्यन उत्तम थां सचखंड पहुंच जाते हैं कीदी कृपा ना कीदी दया ना सतगुरु दी दया ना। उन्हां दा सतगुरु ने नाम दिता, सतगुरु ने लिव लग गई, सतगुरु ने प्यार लग गया। क्योंकि मैं दसदा ना कि सतगुरु संत सतगुरु साडे प्यार दे भुखे नहीं हुंदे गे, वो तो खुद अपने गुरु दे प्यार विच मस्त हुंदे है। उन्हां कोल कित्थे फुरसत है भाई कि साडे नाल वो प्यार करन, नहीं वो तो आप आपदे गुरु दे प्यार विच इस तरह मिक्स हो जाते हैं जिमें खंड पतासे की है, पतासा खंडदा है पानी विच मिल जाता है, पतासे का रंग नहीं हो रह जाता गा। दुध दे विच मिश्री है, मिश्री का जायका रंग नहीं बदलता गा, दुध का जायका दुध का बदल जाता है। इस तरह गुरु शिष्य का मिलाप है, वह शिष्य का जिहड़ा जायका है मूँह का हिरदे का दिल का इंद्रिया का सारा ही उहदा डायरेक्शन ही बदल जाता है। उत्थे गुरु गुरु पुकार दियां हन, आनंद पिया मेरी माए, असी रोज शब्द पढ़ते हैं सतगुरु मैं पाया, कद खुशी हुई जब गुरु नूं पा लिया। सतगुरु पाया सहज सेती मन वजियां वधाइया, जब असी रजो गुण तमो गुण तो उपर चले गए सहज अवस्था प्राप्त कर ली तो मन के अंदर वधाई कदों वजे भाई जदे त्रिकुटी विच रह गया, आत्मा आजाद होकर उपर चली जाती है। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया,
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਇੰਦਰੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਦਰੀ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਾਲ ਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਦਿਆਲ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਨਾਨਕ ਉਦੋਂ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਲਿਵਲਾਏ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਸ ਗੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਤਸੰਗੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਹਾਂ ਬਈ ਉਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਉਤਰੈ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਅੰਦਰੜਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਲਿਵਲਾਏ।